सोलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले मिष्ठान फूड लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 18.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है और साल भर के अंदर देखेंगे तो करीब 100 से 150% रिटर्न देखने को मिल रहा है और ये तेजी आपको बरकरार देखने को मिल सकती है। स्टॉक यहाँ से भी आराम से आपको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। जो हमारे पॉइंट वर्ष उनको पता है, इस स्टॉक के लिए मैं 7 से 8 रुपए के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ और अभी भी मैं इस स्टॉक को लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ और ये स्टॉक पर्सनली मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर स्टॉक मात्र 1% रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहीं अगर आप 6 महीने के अंदर देखेंगे तो 46 से 47% का स्टॉक रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर के अंदर देखें तो करीब 148% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कम नहीं होता है। स्टॉक ने अच्छा खासा हाई बनाया था 24.43 का, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। वहीं अगर आप इसका फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट के 1,993 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है इसके प्राइस के हिसाब से। स्टॉक भी 7.56 का है, एक तरह से स्टॉक अंडरवैल्यूड है। वहीं अगर आप इसका सेल्स देखेंगे, जिनका सेल्स था जून 2016 में 78 हुआ करता था, जो कि फिलहाल देखते हैं जून 2023 में 331 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ अच्छा खासा सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पहले 4 हुआ करता था, अभी फिलहाल 97 हो चुका है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो 95 हो चुका है, पहले 2 हुआ करता था। वहीं अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे तो फिलहाल का भी कैश फ्लो शो नहीं हो रहा है मार्च का, पर अगर आप मार्च 2018 का देखेंगे तो माइनस में था, जो कि थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप शेयर पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 49.28 हुआ करती थी जून 2021 में, जो कि फिलहाल 48.38 हो चुका है मार्च 2024 में। तो यहाँ प्रमोटर ने, वहीं अगर आप FIIs की होल्डिंग देखेंगे, पहले 0 हुआ करती थी, फिलहाल 5.2 हो चुकी है। तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया। पब्लिक की देखेंगे तो 50.72 थी, जो कि फिलहाल 46.60 हो चुकी है। तो लगातार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस स्टॉक को पहले मैंने 7.75 के आसपास रिकमेंड करा था, अभी फिलहाल एक अच्छा खासा रिटर्न आगे दे चुका है और ये रिटर्न आपको बरकरार देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।